खबर देहरादून से है, जहां पर बीते दिनों मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जिसको लेकर कि आज उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया के सम्मुख विभागीय उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। महाराज ने कहा कि मेरे द्वारा हरिद्वार के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया गया था। आपदा से हरिद्वार जनपद को काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों की कृषि योग्य भूमि और घरों को दुकानों के अंदर पानी घुस गया, जिससे आम जनमानस को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित कुल 6,336 लाभार्थियों में प्रत्येक लाभार्थी को 5,000 की धनराशि के चेक वितरित किए गए हैं। अभी तक कुल 1,37,09,000 रुपये की धनराशि की सहायता प्रदान की जा चुकी है। साथ ही 761 लाभार्थियों जिनके घरों को नुकसान हुआ है, उन्हें गृह अनुदान के तहत 44,41,300 रुपये की फौरी सहायता दी गई है। जिन लोगों के परिवारों में मानव क्षति पशु क्षति हुई है, ऐसे 29 लाभार्थियों को 31,91,100 रुपये की धनराशि दी गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भी हमको दिया जाए, इसके साथ साथ मैं मनसा देवी भी गया, जहां पर एक काफी लैंडस्लाइड हो रही है और काफी खतरा पैदा हो गया है। काफी वहां से मट्टी और मलबा और गाज जो है वो हमारे हरिद्वार बाजार के अंदर आ रही है, लोगों के घरों में घुस गई है। उसके लिए उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको उनके अधिकारियों को लेकर मैं गया था। मनसा देवी मंदिर में हो रहे भूस्खलन कि जो टेक्निकल टोपोग्राफिकल और जियो फिजिकल, ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण जांचें हैं। जियो टेक्निकल टोपोग्राफिकल और जियो फिजिकल जांच कराई जा रही है और निर्णय के बाद उसमें उसका समाधान जो है वो किया जाएगा।